तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 89, जिसमें अपन को क्या बताना है. वी हैव टू यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू प्रूव दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज इन द फॉर्म ऑफ 9m, 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8. ठीक है, तो अपन को ये बताना है कि किसी भी क्यूब का, किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का क्यूब किसकी फॉर्म में होगा, या तो 9m की फॉर्म में होगा, या 9m प्लस 1 की फॉर्म में होगा, या 9m प्लस 8 की फॉर्म में होगा. ठीक है, यहाँ पे m क्या है, m कोई भी एक इंटीजर है. ठीक है, m कुछ भी हो सकता है. ठीक है, m बिलोंग्स टू i. ठीक है, तो अपन को यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करना है यहाँ पे. ठीक है, तो लेट अस कंसीडर कि a और b कोई पॉजिटिव नंबर है. ठीक है, a और b आर पॉजिटिव नंबर्स. ठीक है, तो अपन a को किसके फॉर्म में लिख सकते हैं, बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा a को अपन b क्यूब प्लस r की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पे q क्या है, q कोशेंट है और r रिमाइंडर है. ठीक है, ओके, तो यहाँ पे केस क्या होता है कि जो r है वो जीरो से बड़ा होगा या इक्वल होगा. r इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो एंड r इज ऑलवेज लेस देन b. ठीक है, क्योंकि रिमाइंडर अपने डिवाइजर के, रिमाइंडर अपने डिवाइजर से बड़ा नहीं हो सकता. ठीक है, तो यहाँ पे b क्या आ जाएगा, तो अगर अपन केस लें तो यहाँ पे b अपन ले लेते हैं 3. ठीक है, 3 क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे 9 है. ठीक है, तो यहाँ पे b 3 अपन ले लिया. ओके, तो अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं, a इज इक्वल टू 3q प्लस r, a इज इक्वल टू 3q प्लस r. ठीक है, अब देखो जो r है वो b से छोटा होगा और 0 से बड़ा होगा, तो r की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, r 3 से छोटा होगा और 0 से बड़ा होगा या इक्वल टू होगा, तो r की वैल्यू हो सकती है 0, 1 एंड 2. ठीक है, अब अपन केस लेंगे, अगर अपन केस 1 लें जिसमें r की वैल्यू 0 है, तो देखते हैं क्या आता है. तो अगर r की वैल्यू 0 होगी तो ये हो जाएगा a इज इक्वल टू 3q. ठीक है, अब उसने क्यूब करने को बोला था, तो अगर अपन क्यूब करें दोनों साइड का, तो इधर हो जाएगा a क्यूब, इधर हो जाएगा 3q का होल क्यूब, विच इज फर्दर इक्वल टू 3q का होल क्यूब. ठीक है, अब इसे अपन कैसे लिख सकते हैं, तो अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, a क्यूब इज इक्वल टू, क्योंकि अपन को ऊपर क्या लेके आना है, 9m लेके आना है. ठीक है, तो इसमें से अपन 9 बाहर निकाल लेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 9 इंटू 3q क्यूब. ठीक है, ये आ जाएगा. अब इस पार्ट को अपन क्या बोल देंगे, m बोल देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 9m. तो ये जो a है वो 9 जैसा लग रहा है, तो उसको a लिख देते हैं अपन ऐसे. ठीक है, तो यहाँ पे a क्यूब क्या आ गया, 9m. अपन ने ये प्रूफ कर दिया कि किसी भी इंटीजर का क्यूब किस फॉर्म में आ गया, 9m की फॉर्म में. ठीक है, यहाँ पे m की वैल्यू है 3q क्यूब. अगर अपन केस 2 लें, तो केस 2 में क्या है, ये हो जाएगा a इज इक्वल टू 3q प्लस 1, क्योंकि रिमाइंडर 1 है. अब दोनों साइड फिर से यहाँ पे क्यूब कर देंगे अपन, क्योंकि ऊपर क्यूब दिया है, तो इधर आ जाएगा a क्यूब इज इक्वल टू, इसका क्यूब करेंगे तो अपना, तो अपने पास आएगा 27 क्यू क्यूब प्लस 1 प्लस 27 क्यू स्क्वायर प्लस 9 क्यू. ठीक है, इसको आप क्यूब को खोल सकते हैं बिल्कुल, a प्लस बी का होल क्यूब लगा के. ठीक है, तो ये हो गया a क्यूब इज इक्वल टू. अब अपन क्या करेंगे, इसमें से 9 कॉमन ले लेंगे. ठीक है, इस वाले पार्ट में से जिसमें जिसमें से कॉमन आ सकता है, उसमें से 9 कॉमन ले लेंगे. ठीक है, तो ये आ गया 9 इंटू 3q क्यूब प्लस 3q स्क्वायर प्लस क्यू प्लस 1, ये वाला 1 जो बचा है वो इधर आ गया. ठीक है, तो
अब अपन क्या करेंगे, अपन को क्या प्रूफ करना था यहाँ पे कि जो किसी का भी क्यूब है वो 9m+1 की फॉर्म में हो सकता है। तो अपन क्या करेंगे, चालाकी करेंगे, इस पूरे पार्ट को m घोषित कर देंगे, ठीक है। तो हो जाएगा 9m+1। एक क्यूब, एक क्योंकि एक इंटीजर था, एक कोई भी नंबर था, तो किसी भी नंबर का क्यूब अपन ने किसके फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया, 9m+1 की फॉर्म में, ठीक है। यहाँ पे एम की वैल्यू क्या है, 3q³ + 3q² + q। और अपन केस 3 लेंगे जिसमें आर की वैल्यू 2 है, थ्री क्यूब प्लस टू, ठीक है। अब दोनों साइड क्यूब करेंगे, फिर से ए क्यूब इज इक्वल टू 3q+2 का होल क्यूब। इसको अपन ए प्लस बी के होल क्यूब से खोलेंगे तो ये आ जाएगा 27q³ + 54q² + 36q + 8, ठीक है। ए क्यूब की वैल्यू है ये, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, इस पूरे पार्ट में से अपन 9 कॉमन ले लेंगे, तो ये आ जाएगा 9 × 3q³ + 6q² + 4q × 8, ठीक है। अब अपन फिर से चालाकी करेंगे और इस पूरे पार्ट को m घोषित कर देंगे, तो ये हो जाएगा 9m+8, ठीक है। तो अपन ने a क्यूब को फिर से किसके फॉर्म में रख दिया, 9m+8 के फॉर्म में। तो दिस इज आर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, यानी कि अपन ने क्या किया, सबसे पहले तो a को 3q+r के फॉर्म में रखा। अब देखो जो r है वो क्या क्या हो सकता है, 0, 1, 2, ठीक है। तो अपन ने एक एक केस लिया, और अपन को क्योंकि दोनों का क्यूब लेना था तो अपन ने दोनों साइड क्यूब लिया और अपन ने m को चेंज करते रहे, ठीक है। सबसे पहले में m क्या आया था, 3q³, दूसरे वाले का m था ये वाला, दूसरे वाले केस का, और तीसरे वाले केस का m है ये, ठीक है, ये वाला पार्ट। तो दिस आर रिक्वायर्ड आंसर, हेंस प्रूव्ड।